मंत्री और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी से, आदित्य ठाकरे जी से, संजय रावत जी से अच्छी मुलाकात हुई और जो कुछ भी इस समय दिल्ली की सरकार के साथ केंद्र सरकार का बर्ताव चल रहा है और खासतौर से हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो बर्ताव चल रहा है उसके बारे में चर्चा हुई और एक अच्छी शिष्टाचार मुलाकात हुई। आज इसी के लिए मैं आया था। बाकी जो आने वाले दिनों में चुनाव है 3 राज्यों में और फिर दिल्ली में, तो उसमें कैसे बीजेपी को बड़ी शिकस्त देनी है वो हम सबका लक्ष्य हो। विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में आने वाले हैं, उसमें आम आदमी पक्ष नहीं, नहीं वो कोई ऐसी क्या भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका रहेगी बीजेपी हारे पर, तो महाविकास आघाड़ी में शामिल होंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं और कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ हमारी भूमिका यह रहेगी हर जगह तानाशाही देश के अंदर करने वाली पार्टी हारे। विनेश फोगाट के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब कोई खिलाड़ी किसी इतने बड़े खेल प्रतियोगिता में ओलंपिक में जा रहा है उस समय उसका वजन होता है, हर कुश्ती के पहले उसका वजन होता है। क्वार्टर फाइनल जीत गए विनेश फोगाट, उनका वजन ठीक था। सेमीफाइनल जीत गए विनेश फोगाट, उनका वजन ठीक था। जब वो पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी उस वक्त उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया। इसका मतलब पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि भारत की एक बेटी जाकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करे और इतिहास रचे, पहली बार एक महिला पहलवान भारत की गोल्ड मेडल लेके आए। और आप जानते हैं, मैं उसकी ओर इशारा नहीं करना चाहूंगा, जो भूमिका उस समय भारत की सरकार को तुरंत उठाने की आवश्यकता थी या हमारे खेल एसोसिएशन को उठाने की आवश्यकता थी वो भी नहीं उठाई गई, ये इसकी जानकारी मिल रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि आप तत्काल हस्तक्षेप कीजिए और ये 144 करोड़ भारतीयों का अपमान है, पूरे देश का अपमान है। विनेश के साथ देश खड़ा है। अगर जरा सी भी प्रधानमंत्री जी में शर्म है, स्वाभिमान है, तो वो चेतावनी दे और ओलंपिक का बहिष्कार करें अगर विनेश को दया नहीं।